आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरओ प्लांट हाई प्रेशर पंप के बारे में, यानी कि इस वीडियो में आप जानेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में यूज होने वाले हाई प्रेशर पंप के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये कमेंट बेस है। आपके जैसे एक साथी है अमित कुमार जी, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आरओ हाई प्रेशर पंप के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरओ हाई प्रेशर पंप से रिलेटेड कि आरओ हाई प्रेशर पंप के फंक्शन क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के हाई प्रेशर पंप होते हैं, इसकी मटेरियल क्या होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इसके परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग क्या होती है और इसके एडवांसमेंट क्या होते हैं। तो जिन भी दोस्तों को हाई प्रेशर पंप से रिलेटेड यानी कि आरओ हाई प्रेशर पंप से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं आरओ हाई प्रेशर पंप के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आरओ हाई प्रेशर पंप के बारे में। तो इसमें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इससे अगर आपको जानकारी मिलती है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए समझते हैं। A high pressure pump often referred to as a reverse osmosis RO high pressure pump is a crucial component in RO system. These pumps are designed to provide necessary pressure to push water through the semi-permeable membrane in the RO unit, effectively separating impurity from the water. Here are the details aspect an RO high pressure pump. यानी कि एक high pressure pump जिसे अक्सर reverse osmosis RO high pressure pump के रूप में जाना जाता है, RO system में एक महत्वपूर्ण component है। इन पंपों को RO unit में सेमी परमिशन membrane के माध्यम से पानी को पुश और नेसेसरी प्रेशर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पानी से इम्प्योरिटी को इफेक्टिव ढंग से अलग करता है। आरओ हाई प्रेशर पंप के विस्तृत एस्पेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि आरओ हाई प्रेशर पंप के कार्य और महत्व। तो इसमें देखिए है प्रेशर जनरेशन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आरओ हाई प्रेशर पंप इज टू जनरेट इनफ प्रेशर टू ओवरकम द ऑस्मेटिक प्रेशर एंड फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द आरओ मेम्ब्रेन। यानी कि आरओ हाई प्रेशर पंप का प्राथमिक कार्य ऑस्मेटिक प्रेशर को दूर करने और आरओ मेम्ब्रेन के माध्यम से वाटर के मॉलिक्यूल्स को मजबूर करने के लिए इनफ प्रेशर उत्पन्न करना। Efficiency. The pump ensures that the RO system operates efficiently, maximize the production of purified water while minimize waste. यानी कि पंप यह सुनिश्चित करता है कि आरओ सिस्टम कुशलतापूर्वक कार्य करे, वेस्ट को कम करते हुए प्यूरिफाइड वाटर का प्रोडक्शन अधिकतम करे। फ्लो रेट, इट्स मेंटेन एट कॉन्स्टेंट फ्लो रेट टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ द आरओ सिस्टम। यानी कि यह आरओ सिस्टम के ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टेंट फ्लो रेट बनाए रखता है। ये तो हो गए फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स, यानी कि हाई प्रेशर पंप के जो जरूरी जो भाग होते हैं, जरूरी जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें देखिए हमने लिया है मोटर, इंपेलर और पिस्टन और हाउसिंग। और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन हमने जो मेजर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहां पर बताया है। तो इसमें देखिए मोटर प्रोवाइड्स द मैकेनिकल एनर्जी नीड टू ड्राइव द पंप, यानी कि पंप को चलाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। इंपेलर और पिस्टन, दीज कंपोनेंट्स क्रिएट द हाई प्रेशर नीडेड टू पुश वाटर थ्रू द आरओ मेम्ब्रेन। यानी कि ये कंपोनेंट्स आरओ मेम्ब्रेन के माध्यम से पानी को पुश करने के लिए आवश्यक दबाव बनाते हैं। थर्ड है हाउसिंग, इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द पंप, यानी कि पंप के इंटरनल कंपोनेंट्स को घेरता है और उनकी सुरक्षा करता है। जैसे देखिए मैंने इमेज में भी दिखाया है कि ऊपर वाले जो पार्ट्स है वो क्या मोटर है, बीच में इसकी क्या है उधर कपलिंग है, ये जो होती है टोटल पंप का सेक्शन होता है और ये है नीचे इसका इंपेलर, और जो पंप के नीचे जो बॉडी है इसकी क्या होती है पूरी है हाउसिंग होती है, जिसके अंदर क्या होती है पूरा अपनी जो शाफ्ट है या पिस्टन है या इसकी जो इंपेलर होती है सब उसके अंदर क्या होता है पैक होते हैं। तो उसके जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर पंप, यानी कि हाई प्रेशर पंप के प्रकार। इसमें देखिए फर्स्ट जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेकंड जो है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो फर्स्ट देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, कॉमन इन लार्जर सिस्टम दीज यूज रोटेटिंग इंपेलर टू इंक्रीज वाटर प्रेशर। यानी कि ये जो
आरओ जो प्लांट होते हैं, जो बड़े आरओ प्लांट होते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है, सामान्यतः देखने के लिए मिलता है। और ये रोटेटिंग इंपेलर के द्वारा वाटर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं। इसमें देखिए जो ऊपर जो इमेज दिख रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप की है, और ये बड़े आरओ प्लांट में लगाए जाते हैं, यानी कि जो बड़े कैपेसिटी के आरओ प्लांट है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है, और अक्सर आपने देखा भी होगा। सेकेंड है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, मोर कॉमन इन स्मॉलर सिस्टम। दिस पंप मूव वाटर बाय टैपिंग अ फिक्स अमाउंट एंड फोर्सिंग इट इनटू द डिस्चार्ज पाइप। यानी कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के जो पंप होते हैं, ये सामान्यतः जो छोटे जो आरओ प्लांट होते हैं वहां पर हाई प्रेशर पंप के रूप में लगाए जाते हैं, और ये पंप एक निश्चित मात्रा में वाटर को सक करते हैं और उसी को डिस्चार्ज करते हैं। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के पंप होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है रोटरी टाइप का, सेकेंड है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, और थर्ड है लीनियर टाइप का। इसमें भी इनके भी कई टाइप्स होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से, अगर आपका कमेंट आएगा तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है मटेरियल एंड ड्यूरेबिलिटी। इसमें देखिए फर्स्ट है कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। इसमें देखिए टाइपली मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील आर अदर कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर एंड पोटेंशियल कोरोसिवनेस ऑफ फीड वाटर। यानी कि हाई प्रेशर पंप और फीड वाटर की संभावित कोरोजन क्षमता का सामना करने के लिए आमतौर पर स्टेनलेस स्टील या अन्य कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाई जाती है। कौन? जो हाई प्रेशर पंप का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें ये ध्यान रखी जाती है। सेकेंड, सील एंड बियरिंग्स डिजाइन टू हैंडल हाई प्रेशर एंड प्रिवेंट लीकेज। यानी कि हाई प्रेशर को संभालने और लीक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया होता है। यानी कि जो हाई प्रेशर पंप जो बनाए जाते हैं उनके जो ड्यूरेबिलिटी और मटेरियल्स को ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोरोजन ना हो, ऐसे मटेरियल्स बनाया जाता है और वो हाई प्रेशर के लिए बेयरिंग हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस फैक्टर, यानी कि हाई प्रेशर पंप के जो परफॉर्मेंस के फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसमें आप जानेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट है प्रेशर रेटिंग। आरओ हाई प्रेशर पंप्स आर रेटेड ऑफ स्पेसिफिक प्रेशर टाइप के लिए रेंज फ्रॉम 150 टू 1200 PSI डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। यानी कि आरओ हाई प्रेशर पंप को स्पेसिफिक प्रेशर के लिए रेट किया जाता है, जो आमतौर पर एप्लीकेशन के आधार पर 150 से लेके 1200 PSI तक होता है। सेकेंड है फ्लोरेट। द फ्लोरेट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फ्यू लीटर्स पर मिनट इन स्मॉलर सिस्टम द थाउजेंड ऑफ लीटर्स पर मिनट इन इंडस्ट्रियल सेटअप्स। यानी कि फ्लोरेट्स काफी भिन्न हो सकती है स्मॉलर सिस्टम में कुछ लीटर प्रति मिनट से लेकर इंडस्ट्रियल सेटअप्स में हजारों लीटर प्रति मिनट तक होती है। थर्ड, एनर्जी इफिशियंसी। मॉडर्न पंप्स आर डिजाइन टू बी एनर्जी इफिशियंट टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए जो मॉडर्न पंप को एनर्जी इफिशियंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, यानी कि जो आरओ हाई प्रेशर पंप है इनके एप्लीकेशंस को देखा जाए तो इसमें हम लोग बात करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के बारे में। तो फर्स्ट हमने लिया है रेजिडेंशियल आरओ सिस्टम, और सेकंड है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल आरओ सिस्टम में। तो फर्स्ट देखिए रेजिडेंशियल आरओ सिस्टम में द स्मॉलर कॉम्पैक्ट पंप यूज इन होम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। यानी कि होम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले छोटे कॉम्पैक्ट पंप होते हैं। इसमें देखिए जो भी आपके जो डोमेस्टिक टाइप के जो होते हैं आरओ सिस्टम, उसमें देखिए छोटे पंप लगाए जाते हैं। सेकेंड है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल आरओ सिस्टम, लार्जर मोर रिवर्स पंप यूज इन एप्लीकेशन लाइक सी वाटर डिस्टिलेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन। यानी कि सी वाटर डिस्टिलेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे एप्लीकेशन में बड़े अधिक मजबूत पंपों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल स्केल और या कमर्शियल स्केल पर जो किया जाता है वहां पर बड़े पंप यूज किए जाते हैं, और छोटे स्केल पर जो यूज किया जाता है जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं वहां पर छोटे हाई प्रेशर पंप यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें देखिए फर्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन, रूटीन चेक्स फॉर लीक्स, अनयूजुअल नॉइज एंड प्रेशर लेवल्स। यानी कि रेगुलर इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी जो रूटीन जो चेक होती है कि कहाँ पर लीकेज है कि नहीं है, जो कहीं पर एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है और प्रेशर कहीं पर ज्यादा कुछ बढ़ा तो नहीं है ना, तो ये क्या होती है आपके रेगुलर इंस्पेक्शन में आती है। और सेकेंड है अपनी फिल्टर एंड मेम्ब्रेन रिप्लेसमेंट, इंश्योरिंग दैट प्री फिल्टर एंड आरओ मेम्ब्रेन्स आर रिप्लेस्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट पंप स्टेन। यानी कि पंप के ऊपर
एडिशनल कोई प्रेशर ना है, यानी कि पंप कोई हाई प्रेशर उसको बैक प्रेशर ना रहा हो। इससे इसको बचाने के लिए हाई प्रेशर पंप को जो आपका जो प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर को आपको टाइम टू टाइम इसको क्या होती है रिप्लेसमेंट करना होता है। आपकी जो आरओ की मेम्ब्रेन है उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आरओ की आपकी आरओ की मेम्ब्रेन से वाटर फिल्टर नहीं हो रहा इजिली और उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई तो उसको रिप्लेस करना होता है। ये आपको जो फिल्टर और मेम्ब्रेन को रिप्लेसमेंट करनी होती है। थर्ड है लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग, कीपिंग मूविंग पार्ट्स वेल लुब्रिकेशन कैन क्लीन टू एक्सटेंडेड द पंप लाइफ स्पैन, यानी कि आपके और पंप की और जो लाइफ साइकिल को बढ़ाना है तो इसमें जो रोटेशनल जितने भी पार्ट्स होते हैं इनको क्या है लुब्रिकेट करके रखना होता है, इनको क्लीन करके रखना होता है, जिससे जो पंप की जो लाइफ स्पैन होती है इसकी जो जीवन काल होती है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट, जिसको आधुनिकता बोला जाए हिंदी में, तो इसमें देखिए फर्स्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो पहले नहीं होती थी अब मैक्सिमम जगह देखने के लिए मिलती है। मॉडर्न पंप में इंक्लूड वी अपडेट्स टू एडजस्ट द मोटर स्पीड बेस्ड ऑन डिमांड इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि मॉडर्न पंप में डिमांड के आधार पर मोटर स्पीड को एडजस्ट करने, एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए वीएफडी शामिल होती है। सेकेंड है स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि एडवांस पंप फीचर्स मॉनिटरिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस नीड, यानी कि एडवांस पंप में मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस की जरूरतों पर रियल टाइम डाटा प्रदान करता है। तो हम लोग इस टॉपिक की जो ओवरऑल जो समरी है इसके बारे में समझते हैं। इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट्स ऑफ एन आरओ हाई प्रेशर पंप हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट पंप फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड इंश्योरिंग इट्स इफिशियंट एंड लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेशन, यानी कि आरओ हाई प्रेशर पंप के इन एस्पेक्ट्स को समझने से स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए सही पंप का सिलेक्शन करने और इनके इफिशियंट और लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेशन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना आरओ हाई प्रेशर पंप के फंक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके की कंपोनेंट्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में जाना, इसके मटेरियल और ड्यूरेबिलिटी के बारे में जाना, इसके परफॉर्मेंस फैक्टर्स के बारे में जाना, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जाना, इसके मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में जाना और फाइनली आपने जाना इसके एडवांसमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो दोस्तों अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करिए, जैसे ही संभव होगा उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।